Let's go. Hi guys, Anahita this side. I'm a second year MBBS student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today I'm going to tell you about some of the mistakes which you need to avoid in NEET 2024. Last ke 5 months bache, these are the most crucial months for your preparation. So kuch mistakes hain which you should not do right now. Okay, starting with the first one, not giving full syllabus tests. ये गलती बहुत बच्चे भी कर रहे होंगे कि 5 महीने बचे हैं, अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रे ऑप्टिक्स बचा है, ये बचा है, वो बचा है, बायो के ये चैप्टर नहीं किए, मार्क्स तो आएंगे ही नहीं, 1-2 महीने और सिलेबस कंप्लीट करती हूँ फिर फुल सिलेबस टेस्ट ही दूंगी. दैट डे इज नेवर गोइंग टू कम. फुल सिलेबस टेस्ट आर नॉट टू टेस्ट योर प्रिपरेशन. उनसे ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे नीट में कितने नंबर आ रहे हैं, राइट? दे आर गोइंग टू हेल्प यू विद रिविजन ऑफ द टॉपिक्स जो तुमने पढ़ रखा है, विद इम्प्रूविंग योर वीक टॉपिक्स, नोइंग कि अच्छा ये टॉपिक मुझे पढ़ लेना चाहिए. हो सकता है इनमें तुम्हारे स्कोर 650 अबव ना आए क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स तुमने नहीं पढ़े होंगे, बट इनकी वजह से तुम्हें उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाएंगे. तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा इसमें से क्वेश्चन आता है ये पढ़ना चाहिए, या फिर मैंने जो पहले पढ़ा हुआ था उसमें से कुछ और क्वेश्चन आ रहा है वो मुझे नहीं आता, वो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर स्कोर. सो स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट. ओके, सेकेंड पॉइंट, बींग ओवर कॉन्फिडेंट और लूजिंग होप. कुछ बच्चों के स्कोर अभी 700 प्लस आ रहे होंगे, कुछ बच्चों के स्कोर 400 बिलो भी आ रहे होंगे. बट फॉर बोथ ऑफ यू आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, ओनली लास्ट 6 months की प्रेपरेशन मैटर्स. कोई मैटर नहीं करता कि 5 महीने पहले 700 आए थे तो नीट में भी 700 आएंगे, या अभी 400 आ रहे हैं तो नीट में भी कहाँ ही स्कोर आएगा. डजेंट मैटर. लास्ट की 6 months की प्रेपरेशन इज ऑल दैट मैटर्स. अभी जो पढ़ोगे वही याद रहेगा, अभी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वही क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर पाओगे. सो गिव इन योर 100% एफर्ट्स राइट नाउ. ओके, वन मोर पॉइंट. टुडे एट 6:30 PM देर इज गोइंग टू बी अ लाइव क्लास ऑन अन अकेडमी ऐप, ठीक है? इट इज गोइंग टू बी ऑन द टॉपिक हाउ टू क्रैक नीट 2024 इन 5 months. I'm going to tell you a strategy for both physics, chemistry, bio, all of them. I'm going to tell you a full master plan ki kis kis mahine mein kaise kaise karna hai. And I'm going to solve your personal doubts also on text because it is a live class. Theek hai? It's going to be on An Academy app at 6:30 PM under the creator name Anahita Singh. You can find the link in bio or in the comment section, right? So if you can join, please try to join it. Moving on. Third. Letting distractions overpower stress, ठीक है? मतलब कि now सबको स्ट्रेस हो रखा होगा क्योंकि 5 महीने बचे हैं, जिनकी तैयारी हो रखी है उनको भी, जिनकी नहीं हुई उनको भी, ठीक है? इससे निकलने के लिए हम वेज क्या निकालते हैं? इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, व्हाट्सएप पे 2-4 दोस्तों से बात कर ली, या तो उनको ये बोल दिया कि मेरे तेज़ ज़्यादा आ रहे हैं, वो होपलेस हो गए, या फिर तुम उनकी सुन के होपलेस हो गए. और आजकल तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, थाउजेंड्स ऑफ सीरीज टू वॉच. पढ़ा नहीं जा रहा, एक सीरीज चलाती हूँ 1 घंटे बाद पढ़ूंगी, 1 घंटे से 10 घंटे निकल जाते हैं और दिन खत्म, राइट? दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस विच आर रियली रियली गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हार्म इन योर प्रिपरेशन. डू नॉट लेट दीज डिस्ट्रैक्शंस हैपन, राइट? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एकदम हटा दो. व्हाट्सएप पे उन लोगों से काम करो, बात करो जो तुमसे मोटिवेशन देते हैं. YouTube की मोटिवेशनल वीडियोस एक लिमिट तक ही ठीक होती हैं, दिन में 2 से ज़्यादा प्लीज़ नहीं. एंड Instagram इज ऑफ नो यूज़. एक बार कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, फिर चलाते रहना नॉट रहेगा, ओके? बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू रिड्यूस योर अटेंशन स्पैन. और पेपर में तुम 3 घंटा बैठ के पेपर लिख ही नहीं पाओगे, राइट? सो डू नॉट लेट दीज डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रॉय योर प्रिपरेशन. ओके, फोर्थ पॉइंट, नॉट रिवाइजिंग ओल्ड सिलेबस. ये सब करते हैं, तुमने बायो के 2-4 टॉपिक पढ़ रखे होंगे, पेपर में आएंगे तो हमेशा तुम्हारे क्वेश्चन सही होते होंगे, तुम्हें लगता होगा ठीक है यार ये तो चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है. एनिमल किंगडम फॉर एग्जाम्पल, मैंने हर टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ा, सो आई यूज टू थिंक मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. एंड लेटर ऑन एक टेस्ट में मुझे एनिमल किंगडम के 2-4 क्वेश्चन याद आ रहे थे बिकॉज आई डिड नॉट रिवाइज इट. वेदर इट बी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की फॉर्मूलाज, सब कुछ पहले पढ़ा हुआ 1-1 हफ्ते में तुम्हें याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, वरना सब भूल जाओगे. फॉर्मूला शीट्स आर गोइंग टू बी सेवियर एट दिस टाइम, ठीक है? ऑल्सो नॉट करेक्टिंग मिस्टेक्स. मिस्टेक्स करेक्ट होती है जब तुम एक डाउट नोटबुक बनाते हो, उसमें तुम लिखते हो मेरा ये टॉपिक गलत हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और फिर सॉल्व करते हो. सो करेक्ट योर मिस्टेक्स जो तुम पेपर्स में करके आते हो. पेपर वापस देखो, अच्छा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ऐसे ठीक कर, राइट?
ओके, पिकिंग अप न्यू रिसोर्सेज, ये गलती सब लोग करते हैं. अभी मेरा कुछ कुछ सिलेबस हो गया है, पर मैंने कभी एच सी वर्मा नहीं पढ़ी, मैंने कभी मॉड्यूल्स नहीं पढ़े, कभी मैंने एग्जाम्पलर नहीं की, एस एल रोड़ा नहीं की. अब इनको उठा लेती हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस होने लगे. रॉन्ग डिसीजन. मार्क्स आते हैं रिविजन से, एडिशनल रिसोर्सेज से मार्क्स नहीं आते. तुम पढ़ लोगे एच सी वर्मा, तुम सॉल्व भी कर लोगे, पर तुम रिवाइज नहीं करोगे और तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे. सो डू नॉट पिक अप न्यू रिसोर्सेज. अभी तक जो कर रखा है वो इनफ है, कम लग रहा है तो एक रिसोर्स उठा लो, उससे ज्यादा नहीं. लास्ट, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स. तुम्हारा कॉम्पिटिशन तुमसे है यार, ठीक है, और किसी से नहीं है. दूसरे की क्या प्रिपरेशन है, उसे याद कितना रहता है, उसका टेंशन स्पैन कितना है, वो कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यू नो नथिंग अबाउट इट. किसी और से कंपेयर मत करो. मेरे दोस्तों के 700s में आ रहे हैं यार, मेरे तो 600 के पारी में जा रहे हैं, या फिर मेरे 400 आ रहे हैं, सेम ही तो पढ़ाई की थी हमने यार, मेरा नहीं होगा. डोंट थिंक ऑल ऑफ इट. पिछले पेपर में अगर तुम्हारे 400 नंबर आए थे, ये फोकस करो इस बार मुझे 450 होगा. अपना कॉम्पिटिशन खुद से करो, दूसरों से नहीं. योर कॉम्पिटिशन इज विद योर सेल्फ राइट नाउ, ओके? बिकॉज इफ यू कंपेयर यू आर गोइंग टू बी डीमोटिवेटेड. उससे कोई फायदा नहीं होता, तुम और पढ़ना छोड़ दोगे, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे. बी मोटिवेटेड, कीप योर कॉम्पिटिशन टू योर सेल्फ, राइट? ओके, दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. काइंडली जॉइन द क्लास एट 6:30 PM टूडे. थैंक यू.